खींचा जाता है और वहीं पर दिखाया जाता है नमक को, जो कि मुंह ढककर बचने की कोशिश कर रही होती है गुंडे से और एकम से छुप रही होती है, मुंह ढककर घूम रही होती है सब्जी मंडी से और गुंडों से बचने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि गुंडे बहुत ही खतरनाक टाइप के थे और सब सारी सब्जी मंडी को तहस नहस कर दिया था और वो सबसे छुप रही थी और वहाँ पर एकम भी था ताकि उसे पता न चल जाए क्या नमक भी वहीं पर है और ये रचना खुल जाए, इसलिए बहुत ही छुप रही थी वो। वहीं पर दिखा जाता है एकम जो कि गुंडों के पीछे पड़ा हुआ है, एक गुंडा हाथ नहीं लगा, एक लगा था वो भी भाग गया। वहाँ पर एकम ढूंढ रहा होता है गुंडे को, वो देख रहा होता है और नमक देख रही होती है खड़ी साइड में एकम को और सोच रही होती है एकम के बारे में, वहीं पर एकम गुंडों के बारे में सोच रहा होता है और लोग किस तरह से पकड़ा जाए, किस तरीके से हैंडल किया जाए एकम। और वहीं पर नमक होती है वो एकम के बारे में सोच रही थी और छुपने के बारे में, वहीं पर दिखा जाता है सोचने लगाती है यहाँ से कैसे निकला जाए, सब्जी मंडी से कैसे निकला जाए, यहाँ पर हर तरफ गुंडे हैं और हर तरफ गुंडे ही गुंडे नजर आ रहे हैं, जैसे कि परेशान कर रहे हैं, यहाँ से कैसे निकला जाए। वहीं पर दिखाया जाता है एकम को जो कि गुंडों के पीछे पड़ा हुआ होता है और उन्हें पकड़ने का ऑर्डर मिला हुआ होता है उसे, और वहीं पर गुंडे भागते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ दिखाया जाता है जो दुकानदार से बात कर रहा था वो आदमी भी यहीं पर आ गया है और भाग रहा होता है एकम से, बच रहा होता है वहीं एकम सभी गुंडों को ढूंढ रहा होता है, एक एक करके करना चाहता है पर कोई भी हाथ नहीं लग रहा होता है, सब छुप जाते हैं कोने कोने में, लोग जाते हैं जो दिखाई नहीं दे रहे थे, एकम पूछ रहा था सारे गुंडे कहाँ गए और देख रहा होता है कुछ भाग रहा होता है। एकम को एक गुंडा नजर आ जाता है और सोचने लगता है गुंडा भी भाग लग जाए और उसके ऊपर निशाना कस देता है, वहीं पर दिखाया जाता है पीछे से एक गुंडा एकम के ऊपर निशाना लगा रहा होता है, जबकि दुकानदार होता है जिससे नमक सब्जी मंडी अपने ढाबे का सामान लेने आई होती है और वहीं पर एकम के पीछे खड़ा होता है और एकम को निशाने पर रख के बैठा हुआ होता है वहीं पर, और वो सोच रहा होता है इसने कुछ भी किया तो मैं पीछे से इसे छोड़ूंगा नहीं, एकम भी कुछ कम नहीं होता, वो गुंडे पे निशाना रख के बैठा हुआ होता है और उसे पीछे दिख नहीं रहा होता कि उसके पीछे भी कोई उसके ऊपर निशाना लगा के बैठा हुआ होता है, और पीछे से वो आदमी बिल्कुल फ्रॉक में होता है कि एकम उठाया जाता है, तभी आता है और नमक का हाथ पकड़ के खींच लेता है और उसे बचा लेता है हमले से, अभी अजनबी नमक की जान बचा लेता है और कहता है तुम फांसी की रानी बनना बहुत ही ज़रूरी है क्या, आने से पहले बता नहीं सकती थी क्या, मैं ज़्यादा सारा सामान उससे ही कह देती, तुम अकेले क्यों आ गई यहाँ पे, और यहाँ पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे जो वीडियो अपलोड आए फिर मिस ना हो। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।